सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर प्रूफ देखिए, ब्रांच में हमें 50,000 रुपये की लिमिट हो चुकी है। अगर आपको भी आपकी लोन लिमिट इंक्रीज करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से यहाँ से इंक्रीज करना है। अगर आपका 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 या 500 जितनी भी आपकी लिमिट है और आपको बड़ा लोन अमाउंट की ज़रूरत है तो कैसे आपको करना है, कितना टाइम यहाँ पर लगता है, क्या क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कुछ हम जो कि समझने वाले हैं। तो आपको मैं क्लियर बताऊंगा, आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा हम 5,000 रुपये से हमने स्टार्ट किया है और 5,000 से लेकर हम 50,000 तक पहुंच गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 30,000 से हम कैसे 50,000 पर पहुँचे हैं, वो भी हम जो है कि मैं इस वीडियो में भी कवर करके बता दूंगा आपको। वैसे अगर आपका 5,000 है ओनली लिमिट और आपको चाहिए 30,000, 25,000, 50,000 तक की लोन लिमिट, तो आप बने रहना वीडियो में। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट योर लोन ऑफर हमारे पास में आ चुका है 50,000 का, साइड में है 45,000 का, 40,000 का, 35,000 का। हमें 5,000 के इस प्रकार से हमें जो लोन लिमिट यहाँ पर इंक्रीज की गई है। हाँ, एक ही जरूर, बस हमें 30,000 से डायरेक्टली हमें 50,000 डायरेक्टली हमारा लोन लिमिट इंक्रीज कर दिया गया था। तो उस टाइम पर मैंने क्या किया था वो भी हम जो है कि इस वीडियो में जिक्र कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 50,000 का लोन है। अगर मैं इसको देखूँ इसका फुल डिटेल्स वगैरह तो आपको जो है कि यहाँ पर जो कंटिन्यू दिखाई दे रहा है सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे इसमें आपको जो है कि आपका लोन लिमिट आ जाती है, आप जितना भी विड्रॉल करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कौन सी यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोन टर्म, यानी कि टेन्यूर आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेन्यूर आपको जो है कि यहाँ पर देख लेना इस पर क्लिक करके। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है नीचे की साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाता है 180 दिन या फिर 270 दिन, दोनों में आपको जो जितना भी लोन टेन्यूर आपको चाहिए वो यहाँ से आप चूज़ कर लेना। तो यहाँ में वो ऑफर मिल रहा है 180 दिन में 6 महीने का, यानी कि 9,955 रुपये हमारी मंथली ई एम आई आएगी। टोटल हमें रिपेमेंट करना पड़ेगा 59,730 रुपये। उसके बाद में है 270 दिन का जो कि 9 मंथ का है मंथली। उसके बाद में यहाँ पर आपको 7,170 रुपये पर मंथ पेमेंट करना पड़ेगा, 64,530 रुपये टोटल यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है सिंपली यहाँ से आप जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको, जैसे कि हम 270 वाला दिन यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे 270 वाले दिन में हम 50,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, टेन्यूर हमने यहाँ पर कर लिया 9 महीने का, EMI हमारी बन रही है 7,170 रुपये, प्रोसेसिंग फीस में कितना पेमेंट जा रहा है 2,654 रुपये, डिसबर्स हमें हमारा जो है कि यहाँ पर अकाउंट में आएगा 47,346 रुपये। तो यहाँ पर हमने जो कि टोटल रिपेमेंट हमें करना पड़ेगा 64,530 रुपये। अगर इसको लोन लेना आप चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको व्यू लोन डिटेल्स जो दिखाई दे रहा है नीचे के ऑप्शन, सिंपली इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसकी लोन डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कि लोन डिटेल्स देखने को मिल जाती है कि कौन सी EMI पर आपके कितना तारीख को यहाँ पर EMI आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 23 तारीख आपका जो देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो ख़त्म होगी EMI 21/7/2025 को आपकी EMI ख़त्म होगी। तो चलो जो कि हमने समझ लिया क्या आपको टेन्यूर वगैरह मिलता है कितने लोन अमाउंट पर, अब समझ लेते हैं कि कैसे आपको इंक्रीज करना है। तो दोस्तों इंक्रीज करने के लिए कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी, वो बातों को आपको जो है कि बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है। पहला मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो सबसे खास जो रहता है वो रिपेमेंट रहता है। रिपेमेंट आप कैसे कर रहे हैं उसका यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं, कोई भी नो ड्यूज नहीं रखते हैं, तो आपका जो है कि यहाँ पर आसानी से आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो कि रिपेमेंट फास्ट कर देते हैं, जैसे कि फोर क्लोजर आप करना चाहते हैं किसी भी लोन अमाउंट का, तो 3-4 दिन ही मत रखिए उसको ओनली। अगर आपका EMI मंथ है 3 महीने का, तो फर्स्ट में 3 महीने आपको यूज़ करना है, उससे पहले आप फोर क्लोजर मत करो, तभी आपकी लिमिट इंक्रीज होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपका 6 महीने का EMI है, तो आप 4 महीने पे करके 5वें महीने उसको आप फोर क्लोजर कर सकते हैं, उसमें आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। बट ऐसा मत करना है कि आपने जब लोन अमाउंट लिया और उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर आपने रिपेमेंट कर दिया, तो ऐसे में आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं होगी। अब मान के चलिए आपको 30 दिन का लोन टेन्यूर आपका दिया गया है, तो उसमें आप जो है कि उसको 25 से 26 दिन तक उसका यूज़ कीजिए, देन उससे आपको फोर क्लोजर कर देना, आपकी लिमिट वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें जो लिमिट इंक्रीज हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लोन अमाउंट उसका यूज़ किया है, तभी हमें जो है कि यहाँ पर लोन अमाउंट यूज़ कर करके उसका रिपेमेंट किया है, तो हमें लिमिट इंक्रीज होती गई है। हम आते हैं यहाँ पर होम पेज पर और मैं आपको जो कि इसका रिपेमेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में मैंने अमाउंट यूज़ किया है, देख सकते हैं डिसबर्स 11,439 रुपये, उसके बाद में 844 रुपये रिपेमेंट किया मैंने, डिसबर्स फिर वापस से मैंने अकाउंट निकाला है 3,888 रुपये,
सॉरी 588 रुपये या 480 रिपेमेंट किया, ये वापस निकाला, तो ऐसा आपको जो इसका यूज़ करते रहना है। और भी नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि नीचे हम देखें तो आपको देखने को मिल जाता है और भी, जिसमें यहाँ पर नीचे देखेंगे रिपेमेंट मैंने किया है, वापस से डिसबर्स किया, रिपेमेंट किया, डिसबर्स अमाउंट मैंने यहाँ पर सबसे बड़ा निकाला था 38,231 रुपये। ये अमाउंट मैंने कब निकाला था, ये अमाउंट मेरा जो है कि यहाँ पर 40,000 था, ठीक है, 40,000 मैंने अमाउंट निकाला, और जैसे मैंने 40,000 निकाला मेरे 50,000 डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट हो गई थी। तो ये ऐसे बढ़ता है, यहाँ पर आपको जो है कि इसका अमाउंट जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको जो है कि यहाँ पर लिमिट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने फुल अमाउंट यूज़ किया था, तभी मुझे जो है यहाँ पर डायरेक्टली 50,000 पर भेजा, और रिपेमेंट आप देख सकते हैं मैं टाइमली रिपेमेंट भी कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको जो है कि यहाँ पर लिमिट को इंक्रीज करना रहता है, ये बात आप ध्यान में रख के चलना है कि रिपेमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा मैटर की, दूसरा मैटर ये एक दोस्तों आपका सिविल स्कोर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता रहेगा तो आपका यहाँ पर आसानी से लिमिट इंक्रीज हो जाती है, ये बात आपने ध्यान रख ली। उसके बाद में आप जो है कि इसका यूज़ करते रहना, ये हमने बता ही दिया आपको, ये दो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ईजिली यहाँ से लिमिट इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका यहाँ से लिमिट इंक्रीज होती जाएगी। और आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको भी, अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस हो ब्रांच का तो आप मुझे बता देना कि कैसे यहाँ पर लिमिट और भी ज़्यादा हम फास्ट कर सकते हैं। अब बात कर ले किन लोगों की यहाँ पर लिमिट इंक्रीज नहीं होती है फास्ट, या फिर वो डिक्रीज हो जाती है। तो वैसे में मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनकी डिक्रीज भी हो जाती है और रिपेमेंट वगैरह करते हैं, तो वैसे में आपको जो है कि इस प्रकार से होता है आपका लिमिट डिक्रीज कि फर्स्ट तो आपका सिविल स्कोर अगर कम हो जाता है तो वहाँ पर आपकी लिमिट डिक्रीज कर देते हैं वो। सेकंड आप जो है कि यहाँ पर पहले से ही इसका प्री पेमेंट कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया 4-5 दिन में आप उसका प्री पेमेंट कर देते हैं तो वैसे में भी आपकी लिमिट डिक्रीज हो जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर आप बार बार कहीं पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में भी आपकी लिमिट डिक्रीज हो जाती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रख चलना है कि आपको जो है कि कहीं पर बार बार लोन अप्लाई नहीं करना, आपका सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन करके चलना है, रीपेमेंट टाइम से कीजिए, सिविल स्कोर आप टाइम से उसका मेंटेन करके चलोगे तो आपका यहाँ पर प्रोफाइल अच्छे खासे बिल्ड हो जाती है और आपको लिमिट इंक्रीज आसानी से हो जाती है। 50,000 तक पहुँचने में मुझे जो कि यहाँ पर कम से कम 1 साल लग गया है, तो आप ये मत सोचना कि हम 5,000 रुपये से लेकर डायरेक्टली 50,000 रुपये पहुँच जाएंगे। 5,000 से आप जो है कि 10-15-20-25 ऐसे पर पहुँचोगे, आप डायरेक्टली ब्रांच में इतना लोन लिमिट इंक्रीज नहीं होता है। तो ये आपको जो है कि स्टेप फॉलो करना है। और कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा है प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करके वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल से जुड़ जरूर जाना। तो यहाँ पर मैं हम जो है कि अगले वीडियो में देखेंगे, अगर 50,000 से ज़्यादा हमें लिमिट इंक्रीज होती है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। बस इतना ही, इस वीडियो में मिलेंगे हम किसी एक और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।